उसने ये सब भी देखा हुआ है। बेशक इसकी दिलचस्पी इस नर में ना हो, लेकिन मेरी है। धत तेरे की, इन लंगूरों ने फिर मेरा खेल खराब कर दिया। मुझे सबसे पहले खुद को छिपाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन शायद हालात बदलने वाले हैं। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। पिछले 4 महीने से ये जंगल तेज धूप में तपता रहा है। ये एकदम खुश्क और बंजर हो गया है। लेकिन जल्दी ही सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि मॉनसून आ पहुंचा है। ये नया मौसम अपने साथ बहुतों के लिए नई जिंदगी लाता है और मौके भी। मैंने इस जगह को इतना हरा भरा कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने बारिश के इस मौसम में एक और चीज भी देखी है। ये हैं बादल और इतनी सारी पत्तियां जिनसे छाया मिलती है। ये हर कहीं है और इनके कारण दिन में भी अंधेरा सा रहता है। इस तरह मैं खुद को यहां छिपा सकता हूं। और मुझे खुद को फौरन छिपाना भी होगा। सामने किस्मत मौजूद है और मैं इस वक्त जमीन पर हूं। अगर इसने मुझे देख लिया तो खेल खत्म। तो मैं खुद को छिपाए रखता हूं। और ये मेरे एकदम करीब से आगे बढ़ जाती है। लगता है मैंने कबीनी को समझने का तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन एक और जानवर है जिससे ये जंगल सहमा रहता है और खुद को छिपाकर मैं इसे धोखा नहीं दे सकता। अगर इसकी आवाज सुनाई दे तो मेरी तरह भागने में ही भलाई है। यहां की सुबहें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। हर चीज धुंध की चादर में लिपटी होती है। लेकिन इन हालात का फायदा उठाने वाला यहां सिर्फ मैं ही नहीं हूं। ये अलार्म कॉल्स मुझे लेकर नहीं दी जा रही।
ये इन डोल्स के लिए है जिनसे मैं भी डरता हूं। ये हैं कबीनी के जंगली कुत्ते। इनसे पूरा जंगल डरता है। मैं इसे एक या दो का सामना तो कर सकता हूं, लेकिन इनका झुंड जानलेवा होता है। इनसे तो बाघ भी डरते हैं। घनी झाड़ियां भी मुझे इन जानवरों से नहीं बचा सकती। इनकी नाक भी बहुत ही गजब की होती है और इनकी तादाद फिलहाल 20 है, यानी 20 नाक। तो एक ही रास्ता है, पेड़ पर चढ़ जाना। तू नहीं चढ़ पाएगा, इससे आगे इसका पहुंचना नामुमकिन है। डोल्स को कुदरत ने पेड़ों पर चढ़ने की खूबी नहीं दी। उनके पास इस काम के लिए ना तो नाखून होते हैं और ना ही मसल्स। ये जानते हैं कि ये अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अब ये कहां जा रहे हैं? ओह, इनका झुंड तो बैकवाटर्स की तरफ जा रहा है। वहां इन्हें जो मिलेगा उसे अपना शिकार बना लेंगे। किसी वाइल्ड बोर को पकड़ना आसान नहीं। इनके दांत किसी डोल का पेट फाड़ सकते हैं। और तभी जैसे बड़े बड़े ये हाथी भी इन्हें भगाने के लिए आ पहुंचते हैं। अगर किस्मत हमारी रानी है तो हाथी हमारे लिए देवता जैसे हैं। ये आपस में मिलने जुलने और साथियों को ढूंढने के लिए बैकवाटर्स पर इकट्ठे हो जाते हैं। कबीनी में एक हाथी ऐसा है जिसे हर कोई सम्मान देता है। इसका नाम है बोगेश्वरा और कहते हैं कि एशिया में इसके दांत सबसे लंबे हैं। यहां भी हाथियों का शिकार वैसे ही किया जाता है जैसे कई दूसरी जगहों पर। ये पूरा पूरा दिन कबीनी के घास के विशाल मैदानों में चरते रहते हैं। शायद ये शाकाहारी जीव होंगे। तू नहीं चढ़ पाएगा। इसके दांत बेशक बड़े हैं, लेकिन डोल्स सिर्फ झुंड से ही डरते हैं। भला ये इतने बड़े जीव को क्यों खिंचा रहे हैं? इसकी वजह इलाका है या फिर ये इन्हें शिकार समझते हैं? कौन जाने, डोल्स सिरफिरे होते हैं। खैर जो भी हो, लगता है बाकी झुंड के हाथ खजाना लग गया है। डोल्स वाकई बहुत परेशान करने वाले शिकारी हैं। हम तेंदुए हाथियों के साथ नहीं उलझते, हम तो इनके साथ मिलजुल कर ही रहते हैं। कोई नौसिखिया ही इन विशाल जीवों से भिड़ने की कोशिश करेगा।
लेकिन अगर